हेलो गाइस, इट्स माय न्यू यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपनी यूएफवी दिखाऊंगा, कैसी मेरी यूनिवर्सिटी दिखती है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली। एंड नाउ लेट्स गो अहेड। और ये है जी बिल्डिंग, मोस्ट एक्साइटिंग बिल्डिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसमें सारे बच्चे मिलेंगे, इसमें टिम हॉर्टन्स है, कॉफ़ी शॉप, बाकी लाइब्रेरी है, बहुत चीज़ें हैं पढ़ने लायक। अभी तो टिम हॉर्टन्स बंद है, आज फ्राइडे है। बाकी ये मैथ्स एंड स्टैट्स सेंटर है, यहाँ पे आप मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में हेल्प ले सकते हैं, फ्री ट्यूटोरियल होती है विदाउट बुकिंग एनी अपॉइंटमेंट। ये आईटी हेल्प डेस्क है अपना, आप यूएफवी का पासवर्ड सेट करा सकते हैं अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो। ये एकेडमिक सक्सेस सेंटर है जहाँ आप फ्री ट्यूटोरियल फिर से ले सकते हैं, मगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। यहाँ पे सीनियर बच्चे हमें कोर्स में मदद करते हैं। इट्स आर लाइब्रेरी। इसमें भी दो फ्लोर्स हैं, नीचे वाला फ्लोर, ऊपर वाला फ्लोर। ऊपर वाला फ्लोर साइलेंट स्टडी फ्लोर है, बाकी ये प्रिंट सेशन है। ओप्स। चलिए बिल्डिंग बी में चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ वेट कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ये अपना ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार है, वेयर यू कैन पे योर फीस और एनी प्रॉब्लम विद योर मनी और यू कैन डिपॉजिट। फीस से रिलेटेड होता है यार ये सारा, मैं ऐसे ही बताऊँ, फीस से रिलेटेड है ये सारा। इसको कहते हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। ये है बिल्डिंग बी में। ये है अपना एक्सेसिबिलिटी सेंटर। ये अपना ग्लोबल लाउंज है, इसके बारे में जितना बताऊँ उतना कम है। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटी होती हैं, जितनी भी होली पार्टी यहाँ पे होती है, बाकी फ्रेंड्स और बॉर्डर्स चलता है यहाँ पे एक सेशन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए बाकी अंदर से दिखाता हूँ। ये हम बिल्डिंग बी से बाहर निकले, हमारी यहाँ पे नीचे बिल्डिंग सी है और अगर सीधे चले जाएंगे तो बिल्डिंग डी है। बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं तो, और वैसे यहाँ पे सीआईएस की क्लासेस ही लगती हैं बिल्डिंग डी में, तो मेन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की जिस कोर्स में मैं हूँ, तो क्लासों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि पढ़ाई तो करनी नहीं है हमें। चलिए अब आपको कोई और चीज़ दिखाते हैं। And I explained
And we also have table tennis to play. इधर हमारी यस बिल्डिंग ख़त्म हुई और हम इधर चलेंगे तो हमारा ये मिनी वाइट रॉक एंड देन वी मूव टूवर्ड्स सी बिल्डिंग. एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमारे यूनिवर्सिटी में ये ऐसे पोल्स लगे हुए हैं, ये सिक्योरिटी पोल्स होते हैं वेयर वी हैव कैमराज एंड रिंग बेल बटन वेयर यू कैन प्रेस द रिंग बेल बटन इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल. आप इसको दबा सकते हैं और सिक्योरिटी आपकी मदद करेगी एंड देन मूव अहेड टूवर्ड्स द सी बिल्डिंग. ओके लेट्स गो. ओह या बिफोर मूविंग टूवर्ड्स सी बिल्डिंग वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक कार चार्जर्स वेयर यू कैन चार्ज योर इलेक्ट्रिक कार्स लाइक टेस्ला कार्स. ओके और इस बिल्डिंग में मेनली हमारे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग ई. ये हमारी गेम्स एंड एक्टिविटी सेंटर बिल्डिंग है. इसमें गेम्स कंडक्ट होते हैं जैसे वॉलीबॉल बैडमिंटन बास्केटबॉल टेबल टेनिस लाइक दैट. देख सकते हैं ये ऐसी बिल्डिंग है, इसको कैस्केड्स बिल्डिंग भी कहते हैं. और हाँ हमारे से यूनिवर्सिटी में ये वेंडिंग मशीन्स होती हैं जहाँ से आप चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स या ड्रिंक्स ले सकते हैं. आप इसको मोबाइल से भी पे कर सकते हैं थ्रू पे रेंज ऐप. अदरवाइज यू कैन इंसर्ट कैश और कॉइन्स लाइक यू कैन सी वी कैन इंसर्ट 5, 10 or 20 dollars एंड देन इट विल गिव द चेंज टू यू बैक. और हाँ ये ड्रॉप इन सेशंस होते हैं. ड्रॉप इन मतलब आप फ्री में आके इसको खेल सकते हैं जैसे कि इस सेमेस्टर बास्केटबॉल मंडे बैडमिंटन ट्यूसडे टाइम 7 to 10 लाइक दैट. यू कैन कम एंड प्ले फॉर फ्री राइट. ओके एंड देन वी मूव टूवर्ड्स. आइए मैं आपको कोई गेम दिखाता हूँ अगर कोई चल रहा होगा तो. अंदर यहाँ बच्चे आके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मगर वो ऐसे नहीं आ सकते, उनको पास लेना पड़ता है. कुछ $40 पर सेमेस्टर पास होता है, उस पर आप आके चाहे जितनी बार भी खेल सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो अभी कोई गेम तो चल नहीं रहा तो अभी ये लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. Yeah, we go. Hi guys, how are you? Hi, I'm Abbotsford. I'm Hui from China. I'm a UFV student. I often play basketball in here. I like basketball. In my country, when I after class, I often play basketball with my friends and classmates. You both like basketball? Yeah, yeah. How often do you play here? Two times a week. 2 times a week? At what times? In the afternoon or yeah? the evening. Oh, that's nice. Yeah. And how you like UFV? I think UFV is very good. Okay. The equipment is very good. Okay. And the basketball is very light and very bright. And, yeah. Oh, yeah. As we can see that it's a huge playground, right? Yeah. Yeah. We have lots of choice to play what sports we like. Oh, that's good. That are you guys from China, right? Yeah. Yeah. So how you feel difference? You feel any difference yeah. here? In here, we can find different people from all over the world. We play together. But in China, we just limit time. Yeah. Just like about 2 hours we can play. And some equipment need pay some money about playing. स्पॉट्स ओके एंड सो ये लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग चाइना से आए, इनको बहुत डिफरेंस लगा यहाँ पे. जैसे चाइना में ये लोग कह रहे हैं कि इनको खेलने के लिए मनी देने पड़ते थे और यहाँ पे ये लोग फ्री में खेल सकते हैं. एंड यू गाइज ऑल्सो फील वेरी इन्जॉयमेंट राइट.
Yeah, and that's a very good difference between like other countries and Canada, especially where other students came from like different country like China, India, Philippines, and they feel very good about it, right? So ye log ye keh rahe hain ki hame wahan pe paise. And yes, ek baat aur, is building mein, hamare e building mein hamare gym bhi hai, you can say it, and it has like $40 per semester fee where you can join us. This is our new K building. It is newly renovated and it is open for classes from, I think so, the beginning of this month. Let's go and check out this building. Let's go and check out. Abhi ye renovation mein chal rahi hai. This is a usual classroom size. Where you can see ये बॉक्स ऑफिस है, ये यूएफवी थिएटर है, अगर कोई बड़े बड़े ऑडिशंस या प्रोग्राम्स होते हैं इसमें. अब बेकर हाउस है, एक तरह से यूएफवी का हॉस्टल, वेयर यू कैन रेंट आउट योर ओन होम और लाइक ओन रूम, राइट? But it's very expensive. Let's go. I will show you the bookstore. The bookstore is right at the bottom side of the Baker House. ये bookstore है UFV का, यहाँ से आप अपने courses की book ले सकते हैं. यहाँ पे वैसे second hand books भी मिलती हैं. चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये. और यहाँ पे बुक्स के अलावा वैसे हुडीज, कपड़े, ग्लास, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं. स्नैक्स भी थोड़े बहुत मिलते हैं. ट्रायल भी कर सकते हैं इसको, आप इन सब हुडीज को ट्राई भी कर सकते हैं. उधर एक ट्रायल रूम है मगर अभी रेनोवेशन में चल रहा है वो. बाकी ये कप्स हैं.
बस यही है, छोटा सा बुक स्टोर है हमारा, वेयर यू कैन गेट सनग्लासेस। Share the video if you like, subscribe my channel, and see you in the next video. Bye bye.